कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और मेरा बूथ होगा मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां से की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मेरा बूथ होगा मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और मेरा बूथ होगा मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ मेरा बूथ होगा मजबूत की भी शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजकुमार, मेरा बूथ होगा मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल से होने वाली है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दिव्य, जो आगामी पांच प्रदेशों के जो चुनाव हैं उनकी रणनीति को लेकर तमाम तरह के प्रयास जो है वो तेज हो गए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं दो जो वंदे भारत ट्रेन हैं उनकी जो सौगात है वो सौगात मिलेगी। उसके साथ साथ तमाम तरह के जो प्रयास हैं, तमाम तरह के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभान्वित भी उनसे मुलाकात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी जो है उसमें जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं और जो लखपति दीदी का उन्हें जो तगमा सरकार के द्वारा दिया गया है, उनकी जो मुलाकात होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और उनके संघर्ष की गाथा को किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, इन सब मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीधा विचार विमर्श करेंगे। तो जो दौरा है, इस दौरे को कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है, जहां एक तरफ लोगों को सुगम जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो रेल व्यवस्था है, उस रेल व्यवस्था की सौगात मिलेगी। उसके साथ साथ तमाम तरह का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान दिखेंगे और तमाम तरह की जो योजनाएं बनाई हैं, जो सरकार की तरफ से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरीके से जनता के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर संगठन ने जो नई रणनीति बनाई है, इसमें क्योंकि बीएल संतोष जो है वो पहले से प्रदेश में पहुंचे हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बहुत अहम माना जा रहा है, जो दौरा है इसको कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है। राजकुमार, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल तो पहुंचे हैं लेकिन वहां से वो पांच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसका शुभारंभ किया जाएगा। कौन कौन से वो ट्रेन, मतलब वंदे भारत ट्रेन कौन कौन से, किस किस रूट के लिए है वो पांच वंदे भारत? देखिए, ये जो ट्रेन है, इन ट्रेनों को सीधे देश के बहुत महत्वपूर्ण इलाकों से जोड़ने के साथ साथ एक जो वंदे भारत है, क्योंकि मध्य प्रदेश को कई मायनों में बहुत अहम माना जाता है, मध्य प्रदेश पर्यटन की स्थिति से बहुत जो है अहम है, खजुराहो से लेकर तमाम तरह के जो पर्यटन केंद्र हैं उन पर्यटन केंद्रों को किस तरीके से बहुत बेहतर बनाया जाए। जो रूट जो बनाया गया है वंदे भारत का, इसमें एक बात जरूर तय है कि इसको प्रदेश के इसको सीधे राजधानी के उन इलाकों से जोड़ने की व्यवस्था, जो रूट बनाया गया है उसमें एक प्रयास ये किए गए हैं किस तरीके से ज़्यादा जो पर्यटक है, जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दी जा सके और
जितने भी पर्यटन के जो केंद्र हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं मध्य प्रदेश के, उन महत्वपूर्ण शहरों से ये ट्रेनें जिस समय गुजरेंगी उस समय वहाँ की जो आबो हवा है उससे जो विदेशी मेहमान होंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, जो पर्यटक होंगे, जो देसी पर्यटक भी जो मध्य प्रदेश को समझना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश को जानना चाहते हैं, ये जो ट्रेन है ये ट्रेनें उसमें भी बहुत कई तरीके से सार्थक होंगे और इसमें इससे कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। इससे एक आर्थिक व्यवस्था जहाँ रेल मंत्रालय को इससे बेनिफिट होंगे उससे प्रदेश सरकार को भी कई तरह के फायदे इससे होते हुए दिखे। लेकिन अगर राजकुमार देखा जाए तो इसमें रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस है, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है और धरवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है और साथ ही साथ रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है जिससे वहां के जनता को काफी लाभ मिलने वाला है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।